महाराज की श्री माता की फूटा जोड़ा बालाजी महाराज के पावन पवित्र धाम पर विराजमान मेरे पूजा के योग्य धर्म प्रेमी सीतापुरी बुजुर्गो युवा साथियों, बड़ी संख्या में उपस्थित दुर्गा स्वरूपा मातृशक्ति हमारी माताएं बहने, युवा नन्हे मुन्ने बच्चों, यहाँ स्टेज पर बैठे इस क्षेत्र के सभी नामी ग्रामीण और प्रसिद्ध व्यक्तित्व, सभी सरपंच साहिबान, सभी महाराज, सभी मेला कमेटी, मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आप इतना सुंदर आयोजन करते हैं जिसमें अच्छी धार्मिक कथाओं का चर्चा इन मेलों के माध्यम से होता रहता है। तो मैं सभी वजन मंडली का भी बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। प्यारे भाइयों, आपके मौसम बड़ा विकट चल रहा है, सारा दिन साफ रहता है और रात को ऐसा लगता है कि फसल में कुछ भी नहीं बचेगा। तो रात तो जैसा चल रहा है वैसा आप सबको पता है, लेकिन ऐसा लगता है कि राम जी भी रात की तरफ नहीं चल रहा है, बड़ी बड़ी तकलीफ चल रही है, बहुत दोनों तरफ से परेशानी चल रही है। तो मुझे लगता है कि ये रात करने वालों की नियत में कहीं ना कहीं खोट है जिसका दंड हम सबको भोगना पड़ रहा है। यहाँ बालाजी महाराज की असीम कृपा इस क्षेत्र पर बनी रहे, जितने भी आस्थावान हमारे भक्तजन श्रद्धालु इस क्षेत्र के हमारे भाई बहन हैं, सभी सुखी रहे, संपन्न रहे, स्वस्थ रहे, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। रही बात आप लोगों के बीच में, हमेशा ही कोरोना से पहले एक आधे साल मेरा डिस्टर्ब हुआ, बाकी कंटिन्यू आप लोगों के बीच क्षेत्र में हम बने हुए हैं। और आपसे मेरा एक ही निवेदन है कि किसी व्यक्तित्व ऐसे को चुने जो जांचा परखा हो, 24 कैरेट गोल्ड पर आप मोहर लगाएं, नहीं तो हमें आज में निराश मिलेगी और जो क्षेत्र का विकास होना चाहिए वो विकास नहीं होगा। आज क्षेत्र में चाहे किसानों के ट्रांसफार्मर की समस्या हो, चाहे बिजली की समस्या हो, चाहे वोल्टेज की हो, चाहे यूरिया की हो, चाहे डीएपी की हो, चाहे हमारे यहाँ लोकल जो ट्रांसपोर्टेशन है जो कोटपूर्ती से और नारायणपुर तक का होना चाहिए, उसकी कितनी बड़ी असुविधा है। हमारे जनप्रतिनिधि बिल्कुल लापरवाह है, जनता के हितों की और जनता के बिल्कुल भी ध्यान नहीं कर रहे। मौका मिला तो आपको धोखा देने में पीछे नहीं और कमाने में पीछे नहीं, तो ऐसे लोगों से सावधान रहे। और आपने बहुत सहयोग दिया, मुझे अपने परिवार का सदस्य समझा, बहुत मान सम्मान किया और जिताने के मुहाने तक छोड़ा, थोड़ी दूरी रह गई ये कोई बात नहीं है, आपके प्रयास में, सहयोग में और आशीर्वाद में कोई कमी नहीं थी। मेरा आप सबसे निवेदन है कि समय फिर आने वाला है, अब की बार पार्टियां भी जनादेश का पालन करते हुए आप सबका सम्मान करेंगे और आप भी इस क्षेत्र की रक्षा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना, मैं आपसे वादा करता हूँ। छत्तीस को हमारा भाईचारा है, हमारा प्रेम है और आप सब मेरे प्रिय हैं, आपसे कोई भेदभाव नहीं होगा, इसलिए आप विश्वास रखें, सहयोग करें। और एक निवेदन और करूँ, यहाँ सब आप राजे हैं, 22 तारीख को मेरे घर एक भोजनपुर शादी का आयोजन है, आप सभी हमें निकाल कर वहाँ मेरे घर को लाकर मुझे आशीर्वाद देकर प्रसाद करें और आवश्यक रूप से बधाई दें। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। बहुत धन्यवाद शेखाव साहब। उनका भी अंकुर साहब बहुत बढ़िया, तो कार्यक्रम आपके बीच में चल रहा था और अंकुर जी दाईमा भी हमारे बीच में पधारे हैं, उनका भी स्वागत सम्मान है, वो भी दो शब्द आपके मुखारविंद से कहे।
बोल बालाजी महाराज की। मंच पर बैठे मेरे पिता तुल्य सभी बुजुर्गण, आगे बैठे आप भी मेरे पिता हैं, आप भी मेरे पिता की तरह हैं, मेरी माता है, मेरी बहनें, मेरे नौजवान साथियों, सबको मैं जगत सिंह का लड़का राम राम कहता है। देखिए मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया कि मैं आप लोगों के बीच में आके कोई बखान कर सकूं या अपनी कोई तारीफ मार सकूं, लेकिन जिस शख्सियत का मैं लड़का हूं उसने जनता की बहुत सेवा करी है। 30-35 साल आप लोगों के बीच में रहके आम किसान की बात करके आम मजदूर वर्ग की बात करिए, ऐसी शख्सियत जगत सिंह दायमा का मैं लड़का हूँ, उनके लड़का होने के नाते केवल मैं आप लोगों के बीच में आने का कार्य करता हूँ। और मैं आप लोगों को भी इस बात का धन्यवाद देता हूँ कि आपने भी एक गरीब के लड़के को राजस्थान की विधानसभा में 3-3 बार MLA और मंत्री बना के भेजा, 3-3 बार। इसलिए मैं सारा सारी जनता का धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि ये प्रोग्राम है, ये एक मेला, सांस्कृतिक मेला है, और ये मेला जो आज को हर साल भरता है, वर्षों से भरता आ रहा है, लेकिन हम जैसे राजनीतिक लोगों का जो मेला आता है वो 5 साल में एक बार भरता है, और वो साल ये है। इसलिए मन से मैं जरूर राजनीति की बात करना चाहूंगा, राजनीतिक परिवार से राजनीतिक बात करना मेरा धंधे भी बनता है, मेरे पिता ने यहाँ सेवा भी करी है। हमारी तो कोई उम्र नहीं थी हम आप लोगों के बीच में आते, मेरे पिता बहुत छोटी उम्र में हमारा साथ छोड़ के चले गए थे, नन्हे मुन्ने से बच्चे थे हम, बहुत छोटी उम्र के थे, हमारे पास इतनी समझ नहीं थी, और समझ के साथ साथ आपको पता है धन भी नहीं था। चुनाव में आने के लिए धन की व्यवस्था होती है। दायमा साहब ने अपना घर नहीं बनाया, लेकिन आप लोगों के घरों को कभी आँच आने नहीं दी, ना कभी आप लोगों की अस्मत को आँच आने दी, कोई विधि की विडंबना ऐसी रही कि यहाँ पर किसी और लोगों को टिकट मिली, चुनाव लड़े, चुनाव लड़ने के बाद आप लोगों के बीच में आए और चुनाव का ये वादा करके आए। देखिए मैं तो भारतीय जनता पार्टी में हूँ, फिर भी मैं बात कर सकता हूँ हमारे समाज की, कि चुनाव की ये बात कहकर आए कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का एक भी गुजर कैंडिडेट जीतने नहीं दिया। लेकिन आज जिन लोगों को आपने, जिस कांग्रेस पार्टी को आपने भर भर के वोट दिए और भर भर के नोट भी दिए, आज वो कहीं ना कहीं आप लोगों से दूर और नदारद खड़ी है। अरे समय हुआ करता था मेरे पिता का कि मजार दी कोई थानेदार की या मजार दी कोई तहसीलदार की आपके जेब में हाथ डालने का काम कर सके, लेकिन आज इस क्षेत्र में ऐसी ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है कि जहां पर लाखा के नांगल में छोटी छोटी सी फसलों को LGM ने उखाड़ कर फेंक दिया, वो LGM ने फसलें नहीं उखाड़ी थी, हमारी तुम्हारी अस्मत को उतारने का काम किया था। आज चुनावी के अंदर घटना हुई, कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन था, कांग्रेस पार्टी के नेता की जय जयकार कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लीडरों ने नौजवान बच्चों को जेल में डालने का काम किया। मेनपुर की घटनाएं देख लो, छोटा सा नरकंकाल मिला, आज तक भी उस बच्चे को न्याय नहीं मिला, चाहे भूखेड़ा की सुनीता यादव की घटना देख लो, आज तक भी कोई घटना नहीं उसका मिला। मैं शॉर्ट कहूंगा भाई साहब, बिल्कुल दिल में दर्द है, जनता जो सुनना चाहती है उस बात को मैं कहना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ, जानता हूँ राजनीतिक नहीं है, मंच नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो भी लोग आते हैं कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो आप लोगों की दर्द की आवाज को सीधा उठाने का काम करे। इस क्षेत्र में जितना डर का माहौल है उतना मैंने कहीं पे भी नहीं देखा, इसलिए आने वाले चुनाव में मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, अपनी बात नहीं कर सकता, मंच की गरिमा होती है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कांग्रेस को राजस्थान से उखाड़ फेंकने का काम करके संकल्प को हम लेके चलेंगे और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के कमल को खिलाने का काम करेंगे। बोल बालाजी महाराज की। बहुत धन्यवाद आपको, बहुत अच्छी बात बताई।